जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की एक यंग ब्रिगेड खेलने उतरी। इस सीरीज के पहले मैच में होता है एक बड़ा उलटफेर। 13 रन से जिम्बाब्वे की टीम ने भारत को हराया और सीरीज में ले ली 1-0 की बढ़त। इस सीरीज में कई ऐसे खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे जिन्हें देखने के लिए फैंस बावले हुए पड़े थे। आईपीएल 2024 बीता नहीं कि लोगों ने बात बनानी शुरू कर दी कि कब मौका मिलेगा इन खिलाड़ियों को। चाहे बात अभिषेक शर्मा की हो, रिंकू सिंह की हो, रियान पराग की हो, और भी बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम थे जिनको आईपीएल में देखने के बाद फैंस बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि टीम इंडिया की जर्सी में इन्हें कब देखा जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे खिलाड़ी पूरी तरीके से फेल रहे हैं। इस मैच में बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी थे जिन्होंने डेब्यू किया, इन्हीं में एक नाम था अभिषेक शर्मा का। वही अभिषेक शर्मा जिन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कहर बरपाया हुआ था। 23 साल के अभिषेक शर्मा के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कुछ खास नहीं रहा। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन वो इस मैच में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। अभिषेक शर्मा के साथ इस मैच में ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनके T20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत MS धोनी जैसी हुई। अभिषेक शर्मा अपने T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर बिना खाता खोले यानी कि 0 रन पर पवेलियन वापस लौट गए। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और एक बड़ा शॉट खेलने के चलते ब्रायन जॉन बेनेट को वो अपना विकेट दे बैठे। अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के चौथे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। इससे पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, KL राहुल और पृथ्वी शॉ अपने अपने T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर 0 रन पर आउट हुए थे। अभिषेक शर्मा के साथ साथ रियान पराग भी अपने डेब्यू मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। रियान पराग ने इस मैच में 3 गेंदों पर सिर्फ बनाए 2 रन और वो टेंडे चटारा को अपना विकेट दे बैठे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आईपीएल 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया था। पराग सीजन के तीसरे सबसे सफल बल्लेबाज थे। उन्होंने 16 मैचों में करीब करीब 150 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे 573 रन, लेकिन इस मैच में पूरी तरीके से वो फेल रहे। वहीं अभिषेक शर्मा ने तो 16 मैचों में 484 रन बनाए तो स्ट्राइक रेट उनका 200 से ऊपर का था। लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में इस फॉर्म को दोहरा नहीं सके। अभिषेक शर्मा और रियान पराग के अलावा ध्रुव जुरेल का भी पहला ही T20 मैच था, लेकिन ध्रुव जुरेल भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया, एक चौका जैसे तैसे लगा लिया और बनाए सिर्फ 6 रन। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ध्रुव जुरेल अभी भी अपने उस टेस्ट फॉर्मेट वाले माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाए हैं। बहरहाल अगले मैच में देखना बहुत खास रहेगा कि इन सभी यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। फिलहाल के लिए तो इनमें से कोई नहीं चल पाया। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम है दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया।